रखे इस चकाचौंध वाली दुनिया में। पता है तुम लोग को बस लगता है कि यार बस प्यार मोहब्बत ही तो सब कुछ है हमारी दुनिया ज़िंदगी में, वो नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे कैसे करेंगे। क्यों हमेशा चीज़ें वन साइडेड होती हैं, क्यों हमेशा चीज़ें दुख सिर्फ आप लोग को होता है। कहते हो यार हमको बहुत दुख हुआ है, और आप जब किसी को फ़ोन करते हो, जब आप किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ डालने की कोशिश करते हो। एक लड़की का मेरे पास कल मैसेज आया, उसने मुझे बताया, मेरी स्टूडेंट थी ऑफलाइन बैच में, उसने मुझे बताया कि उसकी इंगेजमेंट तय हुई है और जो उसकी फ्रेंड था पहले उसे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है अगेन एंड अगेन। कि क्या उसको छोड़ के ज़िंदगी में तुम्हारा और कोई मोटिव नहीं है, कोई मकसद नहीं है? ये जो मूवी स्टार तुम देख रहे हो ना, जो बॉलीवुड स्टार जिनको देख के तुम लोग बहुत इंस्पायर होते हो, भाई ये अपना रोल ख़त्म करते हैं, ये 2 मिनट मेकअप करके आते हैं, 2 मिनट का भी शॉट देते हैं, फिर झट से फिर वापस जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, 2 मिनट से फिर उनका वापस रिटच होता है, फिर उस चीज़ में आते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं अपने परिवार अपने बच्चों के पास, उनको याद भी नहीं है। गैस सीट्स वहाँ पर प्रोवाइड करी गई। आगे बढ़िएगा, 61st Amendment Act 1989 में क्या कहा गया, वोटिंग एज जो थी पहले 21 साल थी, उसको कितना किया गया, 18 साल किया गया। ये पॉइंट आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर बार मतलब हर बार पूछा गया है कि किस एक्ट के अंतर्गत वोटिंग एज जो 21 साल थी, लोकसभा क्लास जाते हो ना वोट करके आते हो ना, और आप वो फोटो डालते हो ऐसे करके, हाँ मैंने वोट दिया ऐसे करके, वोट दिया तो हम ज़रूर कह लेते हैं कि हमने इस पार्टी को वोट दिया, और बहुत ही ध्यान से हम सोशल मीडिया साइट पर इसे अपलोड भी करते हैं। लेकिन क्या कभी इन चीज़ों को हमने अपलोड करने की कोशिश की, कभी इन चीज़ों को हमने दिमाग में अपलोड करने की कोशिश की है कि सामने वाले की इज्जत कैसी करनी चाहिए? सामने वाले को जीवन में जब कुछ नहीं हुआ है तो चलो यार एक काम करते हैं, सामने वाले को परेशान करते हैं, ये आया कभी दिमाग में? क्यों हमेशा चीज़ें वन साइडेड होती हैं, क्यों हमेशा चीज़ें दुख सिर्फ आप लोग को होता है? कहते हो यार हमको बहुत दुख हुआ है, और आप जब किसी को फ़ोन करते हो, जब आप किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ डालने की कोशिश करते हो तो दुख नहीं होता है? एक लड़की का मेरे पास कल मैसेज आया, उसने मुझे बताया, मेरी स्टूडेंट थी ऑफलाइन बैच में, उसने मुझे बताया कि उसकी इंगेजमेंट तय हुई है और जो उसकी फ्रेंड था पहले उसे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है अगेन एंड अगेन। अगर यही काम अगर लड़के के साथ अगर कभी किया जाए या कभी कोई आपके साथ करे, अगर सिचुएशन बस अलग हो डिफरेंट हो तो कैसे तकलीफ होती है? आपका परिवार परिवार लगता है और दूसरे का परिवार परिवार नहीं, दूसरे की ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं। क्यों आप लोग एक ही चीज़ पे बस जम जाते हो, क्यों एक ही चीज़ पे आप लोग बंध जाते हो? जमना है, अगर बंधना है तो इस एग्ज़ाम की तरफ बढ़ो ना, जिसकी तरफ तुम्हें मंजिल भी मिलेगी, जिसके लिए जितना टाइम दोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों एक इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है? क्यों क्यों ज़बरदस्ती एक चीज़ के पीछे लगे रहना है जिसका कोई मतलब नहीं बनता सिवाय सामने वाले को दुख देने के? क्या उसको छोड़ के ज़िंदगी में तुम्हारा और कोई मोटिव नहीं है, कोई मकसद नहीं है? ये जो मूवी स्टार तुम देख रहे हो ना, जो बॉलीवुड स्टार जिनको देख के तुम लोग बहुत इंस्पायर होते हो, भाई ये अपना रोल ख़त्म करते हैं, ये 2 मिनट मेकअप करके आते हैं, 2 मिनट का भी शॉट देते हैं, फिर झट से फिर वापस जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, 2 मिनट से फिर उनका वापस रिटच होता है, फिर उस चीज़ में आते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं अपने परिवार अपने बच्चों के पास, उनको याद भी नहीं है। उनको एक कैरेक्टर दिया जाता है प्ले करने के लिए, और हम क्या करते हैं, हम उन पर रील्स बना रहे होते हैं उन कैरेक्टर्स के ऊपर, वो फील भी नहीं करते हैं। चाहे कोई भी मूवी आई हो, सोशल वर्कर के ऊपर आई हो, चाहे कोई भी मूवी आई हो, अभी हाल में एक मूवी भी आई है, कोई फील नहीं करता उन चीज़ों को। वो फील करते हैं जो उस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, बेसिकली वो फील करते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ का दर्द मालूम है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ उनके साथ हो रहा है। ये जो एक्टर्स जो फिल्म स्टार जो मूवी कर रहे होते हैं ना, गंगूबाई क्या क्या मूवी आई है, जनरली फील नहीं कर रहे होते इन चीज़ों के बारे में। वहीं पर दूसरी साइड में आप एग्जाम्पल अगर देखोगे तो ये वो लोग होते हैं जो लोगों की सच्चाई को सामने लाने का हिमाकत रखते हैं। अभी एक हाल में मूवी आई है कि लोगों की सच्चाई को उजागर करने की हिमाकत भी रखे इस चकाचौंध वाली दुनिया में। पता है तुम लोग को बस लगता है कि यार बस प्यार मोहब्बत ही तो सब कुछ है हमारी दुनिया ज़िंदगी में, वो नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे कैसे करेंगे। तुम सोचो कश्मीर के बारे में सोचो, अभी तुम लोगों ने देखा है, सिर्फ कश्मीर क्यों, कश्मीर तो बहुत ज़्यादा हुआ, तुम सोचो 370 हटने के बाद कितना खुशी हुआ होगा, जब समझ में आता है, जब जान के ऊपर आता है ना सब कुछ, और जान सिर्फ नॉर्मल तरीके से नहीं ली जाती एक तरीके से, तो रियलिटी असल में समझ में आती है। ये चाहे पॉलिटिशियन हो, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हो जो आपके पास्ट में हो, चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट पास्ट जब भी हो, लोगों ने बस क्या किया है, आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया है और आप बस लगे रहते हो। तुमको नहीं लगता कि अब तुम्हारा एक टाइम है कि तुम अपना एक मोटिव सेट करो? तुमको नहीं लगता कि अब तुमको अपने वर्क लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है?
अब ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें काम को इम्पोर्टेंस देने की। बकायदा ये तुम्हारा, सपोज ये तुम्हारा है काम, ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, बोलो हम दिख नहीं रहा, ये तुम्हारा हो गया काम। अब ये चारों तरफ ना तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुमको काम पे फोकस करना है डिस्ट्रैक्शन पे। वो एक आते थे ना बचपन, हम लोग जो एरो खेलते थे, क्या बोलते हैं उसको यार, तो क्या जो हमें हिट करते थे, हम किस पे हिट करते थे, इस पॉइंट पे हम अपन हिट करते थे, इस पे हिट करने के बाद क्या खुशी होती थी, जो बोलते ना लोग बोलने दो, लोगों को जिस चीज़ में खुशी मिलती है करने दो, लेकिन जब बात तुम्हारे ऊपर आ रही हो, जब कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हो, जब कोई तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा हो, चुप मत बैठो, सहना मत सीखो। बात समझ में आई? लोग उसी को सताते हैं तो शांत रहेगा। उठो और आवाज़ उठाओ चीज़ों के लिए, क्लियर। और अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करो, अपने मोटिव पे ज़्यादा फोकस करो कि तुमको करना क्या है ज़िंदगी में। मजाक मस्ती चलती रहती है, दो मिनट इधर घूम लिया, दो मिनट उधर घूम लिया, चलो थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए, थोड़ा खाना पीना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही क्या ज़रूरी है, अपनी मंजिल की तरफ फोकस करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो प्रियजन, हम बढ़ते हैं बागी की तरफ, बात हुई क्लियर, तो बोलो जय माता दी। अब देखो यहाँ पे,